हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। मैं हूं आपका दोस्त स्वप्निल और लेकर आया हूं आपके लिए करियर मोड सीरीज में एक और नया एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने जो गेम फिनिश किया था वो फिनिश किया था 59-43 इन द सेकेंड इनिंग्स करियर मोड में। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे हमारे उस गेम को। ये रहा स्कोर कार्ड कल का जो हमारा गेम था उसका। हमने फर्स्ट इनिंग्स में बनाए 89, हम ऑल आउट हो चुके थे। हमारी टीम में हाईएस्ट स्कोर रहे मले वो 23 के साथ, आर्यन खान 12 रन के साथ, अनय पांडे को मिले थे 5 विकेट, अर्नव किंग को मिले थे 4 विकेट 14 रन देकर। ये की टीम ऑल आउट हुई 133 रन पर, 4-4 विकेट मिले इमरान को और सिल्वा को। और फिर हमारी बैटिंग आई जहाँ पर हमारे बैटिंग में टीम का स्कोर करंटली है 59-43। अगेन आर्यन खान टॉप स्कोर विथ 33 ऑफ 32। अजय मले वो 13 पे खेल रहे हैं। अनय पांडे को 1 विकेट मिली है, अजय डैंक्स को 1 विकेट मिली है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इस गेम को। अब गाइस, आपको स्क्रीन पर एक नया चीज दिखता रहेगा जो कि है नया सब्सक्रिप्शन गोल। फिर गोल रखा है 100 सब्सक्राइबर्स का बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ। तो अभी भी 6 दिन बचे हैं हमारे हाथ में। अभी करंट सब्सक्राइबर्स जो मेरे चैनल पे वो है 78, तो उसे हम लोग को 100 तक पहुंचाना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग गेयर अप करते हैं और 100 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच जाते हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। आ चुके हैं हम वहां पर गेम पे बैटिंग करने, और हमारी तरफ से पहले ही हमारी जिंदगी बर्बाद करने या जिंदगी को नरक बनाने आ चुके हैं मीडियम पेसर। सिंगल के साथ ऑफ द मार्क होंगे हम। इस दिन के पहले रन हमारी टीम के लिए मिलेंगे हजाई मलेवु के लेंगे। अब स्पिनर आ चुका है, हजाई मलेवु ने ज्यादा स्कोर नहीं किया, उसके बाद कोई भी रन नहीं मारा। स्पिनर को संभाल के खेलना पड़ेगा। आते ही रिवर्स स्वीप, चौका मिलेगा हमें। नो ये विकेट थी नहीं, कहाँ विकेट थी, कुछ भी बोलते, ग्राउंड शॉट खेला था मैंने। ये कमेंटेटर सटी आ गए। बढ़िया डिफेंस, हमें भी आज अच्छी तरीके से खेलना पड़ेगा। ये मैं हमेशा ही बोलता हूँ जब भी मैं बैटिंग के लिए आता हूँ, लेकिन मैं हमेशा ही हक देता हूँ उसके बाद। ट्राई करेंगे आज ना आगे। ओए थोड़ा मेरा नेचुरल स्पीकर फटा हुआ है तो आवाज थोड़ी सी खराब आएगी। क्या अजीबोगरीब फील्ड सेट किए, कहाँ से मारू, क्या रन मारू, कहाँ मैं गैप निकलू वही नहीं समझ रहे। निकालना तो पड़ेगा ही गैप, और गैप निकला मतलब पता है रिजल्ट क्या होता है, हमेशा रिजल्ट होता है एक बाउंड्री। दो बाउंड्रियां लगा चुके, 10 रन मार चुके 11 गेंदों में। एक और होगी बाउंड्री शायद, ये जी हाँ एक और बाउंड्री मिलेगी। इसी तरीके से जैसे मुझे चांस मिलता जाएगा वैसे मुझे रन मारने पड़ेंगे, वरना अनय पांडे ने पहले इनिंग में भी काफी तबाही मचाई थी। उसी तरीके से अभी अगर उसको सेटल होने देंगे तो अभी भी तबाही मचा देगा और हमारी टीम को ऑल आउट कर देगा, जो कि रिस्क मुझे नहीं लेनी चाहिए। मुझे जब तक हो सके तब तक ज्यादा से ज्यादा अटैक करना चाहिए गेम में। गेम को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा है हमने अब तक। फाइनली एक सिंगल आएगा या चार आएंगे। उधर फील्डर रखा था उन्होंने, लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ फील्डर रख के। ऑफ द मार्क चाहन साहब, और फिर बैक टू डिफेंस। एक बार फिर से साइड चेंज करते, तो एक ही बॉल के लिए साइड चेंज करके आए थे लगता है। पुल कर दिया है फ्रंट फुट पे, पुल बाउंड्री मिलेगी एक और। बाद आ गया बेटे,
इस बार ऑन ड्राइव 2 रन आने चाहिए पूरे, और पूरे 2 रन आएंगे। खत्म हो गया। मले वो भाई साहब ने 14 रन ही बनाए अब तक, 84 बॉल्स खेल चुके और रन ही नहीं मार रहे मले वो। और हमारे बल्ले से गोलियों की तरह बौछारे हो रही है बाउंड्रीज की। फिलहाल 29 पर पहुंच चुके हैं हम लोग 32 बॉल्स में। ऑन ड्राइव सिंगल आया, गिरना पड़ा मुझे, सोना पड़ा, वरना आउट हो जाता मेरा प्लेयर। बहुत फास्ट चलता है, उसेन बोल्ट से भी फास्ट भागता है। ओए एक बार फिर से ओवर द विकेट, या डांसिंग डॉल है हमारी, कभी ओवर द विकेट, कभी राउंड द विकेट, कभी फिर ओवर द विकेट, कभी फिर राउंड द विकेट। और इस बार विकेट निकालते हुए मेरा बहुत स्लो बॉल डाली, एज लगी और करियर खत्म होते हुए यहाँ पर। मुझे अच्छी शुरुआत मिली थी मैं, लेकिन मैंने वो शुरुआत को कन्वर्ट नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली हम वो चीज़ कर नहीं पाए जो चीज़ की ज़रूरत थी। 2 विकेटें गिर चुकी है। कितने का टारगेट मिला है? 191 का टारगेट मिला, जो कि बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, और हमें एक अच्छी तरीके से शुरुआत करनी पड़ेगी बॉलिंग की। हमारे विकेट्स लेने पड़ेंगे हमारी टीम के लिए। गलत बॉल, और गलत बॉल पे चौका मिलते हुए पता नहीं क्या दुश्मनी है इस गेम की हमसे। विंग काउंट ही नहीं करेगा। ओए बढ़िया शॉट, लेकिन बढ़िया कमबैक। हमें चाहिए विकेट्स, विकेट्स की दरकार है जो हमें मिल नहीं रही है। एक अच्छी शुरुआत मिली सेकेंड इनिंग में, 30 रन की पारी हमने खेली जरूर, लेकिन फिर आउट हो गए। फिर वही गलती कर बैठे, बाहर की बॉल को एच कर दिया, और हमेशा की तरह मीडियम पेसर ने ही हमारा विकेट निकाला। मीडियम पेसर को इस गेम में मुझे टाइमिंग करना होता ही नहीं, कितना भी मैं लेट खेलूँ वो फिर भी अर्ली हो जाती है टाइमिंग। बढ़िया ड्राइव, कोई रन नहीं, लेकिन और कितना हलवा कैच दूं तेरे को कि तू पकड़ पाए। एक और बाउंड्री लगते हुए एक और बढ़िया शॉट सिंगल मिलेगा। 5 रन आ चुके हैं इस ओवर से अब तक। बॉलिंग में चलता है तो बैटिंग में नहीं चलता, बैटिंग में चलता है तो बॉलिंग में नहीं चलता, इसी ऑन एंड ऑफ गेम की वजह से कहीं ओए सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है हमारा। कैच है, कोई है ही नहीं कैच है। अरे डर मत रे भाई, डरेगा तो घंटा कैच मिलेगा करने। डरने वाले प्लेयर्स को हटा उधर से, कोई और ट्राई करता उधर अपने। कैच 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 इज गॉन, पहला विकेट मिलते हुए हमें इसमें इनिंग्स का, और 5वां विकेट जा चुका है अब, और मेन प्लेयर को आउट करते हुए हम जो सेट हो चुके थे।
लोअर डिलीवरी ने काम कर दिया हमारे लिए, बढ़िया। डॉट बॉल कूद के निकाला ये, और कैच यार। इतनी आसानी से मार लेंगे तो फिर जीतेंगे कैसे हम? बढ़िया, चलो चलो आएगी विकेट बच्चों, आएगी, तैयार रहना कभी भी। अरे यार, कैच! अरे भाई, अकेले इंसान गार्डन में घूम रहा है क्या? ऐसे एक से एक झंडू पड़े हैं यार। खेल थोड़ा, उंगली कर बैठ से। बढ़िया बॉल, बढ़िया शॉट। अरे हग दिया! यार हद है, बॉल सामने से निकल जा रही है और ये प्लेयर सोते बैठे सबके सब। हारने के लक्षण दिख रहे हैं सब। फालतू के 3 रन, और इनको सबको ये सब चीजें मेरे ही ओवर में करने को चाहिए रहती है। ओए बढ़िया बढ़िया, अरे यार भाइयों विकेट लो वरना मौज कर देंगे अपनी। 6 विकेट हो चुके हैं, एक और बैट्समैन आउट हो चुका है, इसने लिया मैंने देखा नहीं। टॉरेन थोड़े से सेट लग रहे, अगर ये आउट हो जाते हमारी बॉलिंग में तो बहुत बढ़िया होगा। अरे थैंक यू, अरे बढ़िया बढ़िया, ड्राइव करवाना ड्राइव। ऐसे ड्राइव नहीं होता भाई, ऐसे सब बॉल लेग साइड पे ही खेलेगा वो। ओए यार, ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड आउट डे। ओके खत्म, तुम बोले जीत गई है। 69 रन से इस टेस्ट मैच को, और हमें सिर्फ 2 ही विकेट मिले पूरे मैच में। वन साइडेड अफेयर तो नहीं था, खुद भी कमेंट्री करते ये लोग। तो गाइज आज के वीडियो के लिए इतना ही बस है, थोड़ा ज़्यादा लेंथ हो गया है वीडियो का ऑलरेडी। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक सायोनारा।